हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल किचन टिप्स विद ईशा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टिप है मेरी कॉफ़ी को लेके। जब भी हम कॉफ़ी बनाते हैं तो हमारे सामने ये समस्या आती है कि उसमें जो है फॉर्म नहीं बन पाती है। उसका मैं आपको एक तरीका बताने वाली हूँ। तो उसके लिए आप क्या करें, जैसे कि मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने एक कप ले लिया है दूध और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टीस्पून शुगर और 1 पाउच कॉफ़ी का। अब हम इसमें बॉयल आने देंगे। इस तरीके से कॉफ़ी को अच्छी तरीके से बीट करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारी फॉर्म आ चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे चॉकलेट पाउडर से। ये लीजिए, हमारी कॉफ़ी तैयार हो चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है गैस लाइटर को साफ करने से लेके। आपने देखा होगा हम इसका यूज़ करते हैं तो आप इस तरीके से लाइटर हमारा गंदा हो जाता है, ग्रीसी सा हो जाता है, क्योंकि हमारे हाथ इसके ऊपर लगते रहते हैं। कभी आटे के हाथ लग गए, कभी तेल के हाथ लग गए, तो इस तरीके से ये चिपचिपा अजीब सा हो जाता है। तो हमें इसको टाइम टू टाइम साफ़ करते रहना चाहिए। चलिए मैं अब इसको साफ़ करने को आपको एक तरीका बताने वाली हूँ, एक टिप देने वाली हूँ, जिससे कि आप इसको आसानी से साफ़ कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या लेंगे, आपके पास घर में इस तरीके से नेल पॉलिश रिमूवर तो होगा ही, उसको आप लेंगे और एक इस तरीके से कॉटन पैड ले, उसकी मदद से आप इस तरीके से डिप कर लें और इस तरीके से अपने लाइटर को धीरे धीरे से रगड़ते हुए साफ करते जाएं। देख सकते हैं सारा डस्ट जो है आपकी कॉटन के पैड के ऊपर आ गया है और आपका लाइटर पहले जैसा साफ और क्लीन हो चुका है। चलिए मैं अपनी दूसरी टिप भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी है लाइटर से लेके। कई बार होता है कि हम ऊपर से तो लाइटर साफ़ कर लेते हैं, आपने देखा होगा ये लाइटर ऊपर से तो साफ़ हो गया है, कई बार जो है कार्बन उसके अंदर जमा रह जाता है जिसके कारण हमारा लाइटर जलता नहीं है। मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे मेरे इसके अंदर कार्बन चला गया है और मेरा लाइटर जो है नहीं जल रहा है, गैस को नहीं जला पा रहा है। आप देख रहे हैं मैंने गैस का फुल पे किया हुआ है, ये गैस हमारा नहीं जल रहा है। इसके लिए भी मैं आपको टिप बताने वाली हूँ, इसके लिए आप क्या करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम इस तरीके से नेल पॉलिश रिमूवर लेंगे और इसको हम खोलेंगे। इस तरीके से आपके घर में ईयरबड्स तो होंगी, उसको आप लेंगे और इस तरीके से आप इसमें नेल पॉलिश रिमूवर में डिप कर लेंगे और इस तरीके से इसकी टिप को लेके आप अंदर तक अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे। आप देख रहे होंगे कि मैं क्लीन कर रही हूँ, इसका डस्ट किस तरीके से बाहर आ रहा है। आप देख रहे हैं ये डस्ट सारा साइड से बाहर आ गया। इस तरीके से जो बाहर वाला डस्ट है आप इसको कॉटन की मदद से साथ साथ साफ भी करते जाएं। अब मैंने ये दूसरी साइड भी ईयरबड की दूसरी साइड भी रिमूवर में डिप कर ली है। मैं एक बार इसको अंदर से और साफ कर देती हूँ, जो बचा हुआ है डस्ट वो भी अच्छी तरीके से निकल जाएगा। ये देखिए मैंने अंदर से भी इसको अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। अब एक साफ कॉटन की मदद से मैं इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी।
ये आप देख सकते हैं मेरा लाइटर अंदर और बाहर अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है। अंदर और बाहर से मेरा लाइटर अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है। अब मैं आपको गैस जलाकर दिखाती हूँ। मेरी आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। मिलती हूं नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।